जय भीम साथियों, आज हम बाबा साहब के धर्म के ऊपर क्या विचारते वह जानेंगे। दुख निवारण के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग ही सुरक्षित मार्ग है। बौद्ध धर्म पूर्णतः भारतीय है और गौतम बुद्ध न केवल भारत के उद्धारक थे बल्कि संपूर्ण मानवता के उन्नायक थे। धर्म का ध्येय इंसान और भगवान के बीच संबंध न होकर इंसान इंसान के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना होना चाहिए। अंधविश्वास और असमानता ब्राह्मणवाद के आधार है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जिस धर्म में मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना मना है वह धर्म धर्म नहीं दंडता है। ईश्वर में विश्वास करने से केवल अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, उसी से पूजा पाठ की उत्पत्ति होती है। पूजा पाठ से पुजारियों का वर्ग उत्पन्न होता है जो अंधविश्वासों को जन्म देता है। वह वर्ग समाज की सम्यक दृष्टि को नष्ट करता है। धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सही उतरना चाहिए। सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक एकता प्राप्त करना कठिन है। यदि प्राप्त भी हो जाए तो वह उस मौसमी पौधे की तरह होगी जो मामूली हवा झोंके से जड़ से उखड़ जाता है। जिस धर्म में अपने ही अनुयायियों के बीच भेदभाव है वह धर्म नहीं पक्षपात है। जो धर्म अपने करोड़ों अनुयायियों को कुत्तों और अपराधियों से भी बदतर मानता है और उन पर नारकीय मुसीबतें बरसाता है वह धर्म हो ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार लोगों को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य न करे। मैं धर्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं। भारत में सामाजिक क्रांति के बिना सामाजिक व धार्मिक सुधार असंभव है।